नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी आज की मैथ और रीजनिंग के सेगमेंट में। आज हम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा वर्गमूल को कैसे ज्ञात करें उसके बारे में चर्चा करेंगे। नॉर्मली वर्ग क्या होता है, जब हम किसी भी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तब जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, वर्ग। क्या कहलाता है, वर्ग। तो वर्ग किसी भी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने के बाद आने वाला अंक कहलाता है। और मूल का अर्थ क्या है कि वह संख्या किस संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करके बनी है। फॉर एग्जाम्पल फोर को लेते हैं, तो कोई अगर पूछे कि फोर का मूल क्या है, अर्थात फोर की शुरुआत कहाँ से हुई या फोर कैसे बना, तो हमारा आंसर क्या होगा कि टू को जब टू से मल्टीप्लाई किया तब क्या बना, फोर। इट मीन्स इस संख्या का अर्थात फोर का मूल क्या है, टू। क्या है, टू। तो वर्ग मूल क्या हुआ फोर का, टू। क्या हुआ, टू। तो आज हम यही जानेंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा कैसे ज्ञात किया जा सकता है। किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने से पहले हमें वर्गमूल का टेबल याद होना चाहिए, और वो कम से कम कहां तक, 10 तक। जैसे कि 1 का वर्ग क्या है, 1, 2 का वर्ग क्या है, 4, 3 का वर्ग क्या है, 9, 4 का वर्ग क्या है, 16, 5 का वर्ग क्या है, 25, और 6 का वर्ग क्या है, 36, और 7 का वर्ग क्या है, 49, 8 का वर्ग क्या है, 64, और 9 का वर्ग क्या है, 81, तथा 100 का वर्ग, 10 का वर्ग क्या है, 100। क्या है, 100। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी संख्या का जो वर्गमूल है वो कैसे ज्ञात किया जा सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला नंबर है 784। क्या है, 784, और हमें कहा गया है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करो। तो शॉर्ट ट्रिक्स में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास ये कौन सा अंक है, 6। कौन सा अंक है, 4। कौन सा अंक है, ये 4। हम देखेंगे कि वर्ग के टेबल में 4 कहां पर आ रहा है। तो अगर हम वर्ग के टेबल में देखें तो 4 कहां पर आ रहा है, एक तो यहां पर आ रहा है 4, और दूसरा 4 कहां पर दिख रहा है हमें, 64 में 4 एकाएक अंक है। ठीक है, तो कितने अंक, कितने वर्ग में 4 आ रहा है, एक तो 4 जिसका मूल कितना है, 2, और दूसरा 8, 64 जिसका मूल कितना है, 8, अर्थात कितने हुए, 2 और 8। कितने हुए, 2 और 8। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट टर्म में, जैसे कि हमने बताया कि जब भी वर्गमूल में किसी भी संख्या के कितने जोड़े बनाते हैं, 2, तो हम क्या करेंगे, पीछे से इन संख्याओं को ग्रुप बना देंगे, और इस ग्रुप से आगे जो संख्या कितनी है, 7। कितनी है, 7। इस संख्या को हम लेकर चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 7 जो संख्या है वो वर्ग में किन दो संख्याओं के बीच में आ रही है। तो किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है 7, एक तो 4 और 9। किन के बीच में, 4 और 9 के बीच में। तो इनका जो मूल है, 4 का मूल कितना है, 2, और 9 का मूल कितना है, 3। कितना, 3। तो इट मीन्स 2 और 3 मूल के बीच में 7 संख्या आती है। तो इन दोनों में से जो कम होगा उसे हम लेंगे। तो इन दोनों में से कम कौन है, 2 और 3 में से 2, तो कितना है, 2 लेंगे। और इस मूल से आगे की जो संख्या है, यहाँ पर इस केस में कितनी है, 3। तो 3 से इस संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास आती है 6। कितनी आती है, 6। अब हम इस संख्या को अर्थात 7 को कंपेयर करेंगे 6 के साथ,
और हम देखेंगे कि हमारा ये 7 इस संख्या से ज्यादा है या कम। तो इस केस में जो 7 है इस संख्या से ज्यादा है, तो ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो इन दो संख्याओं में से ये हमारा स्टेप 1 बन जाता है। इन दो संख्याओं में से जो संख्या ज्यादा है उस संख्या को चूज करेंगे। तो इस केस में कितना है 8, कितना है 8। तो 784 का वर्गमूल कितना आया 28, कितना आया 28। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 1296, कितना 1296। और हमें कहा गया है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक यहाँ पर कितना है 6, कितना है 6। 6 को जो वर्ग का टेबल है उसे उसमें देखेंगे कि 6 कहाँ कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 6 एक तो यहाँ आ रहा है 16 में, जिसका मूल है 4। दूसरा जो 6 आ रहा है वो है 36 में, जिसका मूल है 6, कितना है 6। और ये हमारा बन जाता है स्टेप वन। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, जो लास्ट से इसकी ग्रुपिंग कर देंगे, और जो आगे वाला डिजिट है इस केस में कितना है 12, कितना है 12। अब हम 12 को वर्ग के टेबल में देखेंगे कि वो किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है 12, यहां पर देखते हैं हम 12 आ रहा है 9 और 16, किसके बीच में 9 और 16। और 9 का बेस कितना है 3, कितना है 3। और 16 का बेस कितना है 4। तो 3 और 4 में से जो सबसे कम होगा हम उसे अपना बेस नंबर मानेंगे। तो इस केस में कौन सा बेस नंबर है, कौन सबसे कम है, 3 और 4 में से 3। तो 3 को लेंगे और इसे यहां पर लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 3 के आगे का जो नंबर है, तो इस केस में 3 के आगे का नंबर कितना है 4, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस केस में कितना हो गया 12, कितना हो गया 12। अब ये जो 12 आया, इस 12 को इस नंबर के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि ये नंबर इस नंबर से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है या कम। अगर ये नंबर इस नंबर से कम है तो कम वाला नंबर लेंगे, और अगर ये नंबर इस नंबर से ज्यादा है तो ज्यादा वाला नंबर लेंगे। बट इस केस में क्या है, इस केस में 12 और ये 12 दोनों कैसे हैं, इक्वल है। कैसे हैं दोनों इक्वल? तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है जिसमें ये दोनों नंबर इक्वल है, तब हम क्या करते हैं, जो ज्यादा वाला नंबर है उसे अडॉप्ट करते हैं। तो इस केस में ज्यादा वाला नंबर कौन सा है 6, तो हमारा 3 के साथ क्या बन जाएगा 6, और यही हमारा आंसर होगा। तो 1296 का वर्गमूल कितना है 36, कितना है 36, और यही हमारा आंसर है। एक एग्जांपल और करके देखते हैं। हमारे पास नंबर है 576 और हमें कहा गया है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम इस नंबर का इकाई का अंक लेंगे, तो इस केस में इकाई का अंक कितना है 6, और वर्ग में देखेंगे कि वर्ग में किस नंबर का इकाई का अंक 6 है। तो इस केस में किसका 6 है, 16 का 6, जिसका मूल कितना है 4, उसे लिख लेंगे। दूसरा हमारे पास 36 का मूल इकाई का अंक 6 है, और इसका मूल अंक कितना है 6। तो ये दो नंबर हमारे पास आए जिनका वर्ग में मूल अंक जो है वो कितना है, इकाई का अंक जो है वो कितना है 6। ये हमारा बन जाता है स्टेप 1। अब हम इन नंबर को लास्ट में से इनकी ग्रुपिंग करेंगे, और जो नेक्स्ट नंबर होगा इस केस में जो नंबर 5 है उसे देखेंगे कि वर्ग में ये नंबर किन दो नंबरों के बीच में आ रहा है। तो देखते हैं 5 किन के बीच में आ रहा है, 4 और 9 के बीच में, किसके बीच में
4 और 9 के बीच में, और 4 का बेस कितना है 2, तो इसे ले लेंगे, और 9 का बेस कितना है 3, तो 2 और 3 इन दो नंबरों में से जो नंबर कम होगा उस नंबर को हम बेस मानेंगे। तो इस केस में दोनों में से कम कौन सा नंबर है 2, तो हम यहाँ पर कितना लेंगे 2, और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जो इस 2 के आगे का नंबर आएगा, तो इस केस में कितना नंबर है 3, कितना बन गया 6। हाँ, इस 6 को हम इस नंबर से कंपेयर करेंगे, अर्थात इस नंबर को इस 6 से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये नंबर 6 से कम है या ज्यादा। अगर ये नंबर 6 से ज्यादा होगा तो ज्यादा वाला नंबर लेंगे, और अगर 6 से कम होगा तो कम वाला नंबर लेंगे। तो इस केस में 5 है और 5 6 से कम है, 5 6 से कम है, तो इन दो नंबर में से जो कम नंबर होगा उसे हम चूज करेंगे। तो इस केस में कौन सा नंबर आ रहा है 4, तो इस 4 नंबर को यहाँ पर लिख देंगे और यही हमारा आंसर होगा। तो 576 का वर्गमूल क्या बना 24, क्या बना 24। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये शॉर्ट ट्रिक्स समझ में आ गया होगा। अब हम एक और लास्ट एग्जांपल करके इस शॉर्ट ट्रिक्स को और ज्यादा क्लियर करेंगे। हमारे पास नंबर है 1936, और हमें कहा गया है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस संख्या का इकाई अंक लेंगे जो कि इस केस में कितना है 6, और अपने वर्ग के टेबल में देखेंगे कि ये 6 किन दो संख्याओं में आ रहा है। तो इस केस में 6 एक तो आ रहा है 16, जिसका मूल क्या है 4, तो उसे लिख लेंगे। दूसरा 6 इस वर्ग के टेबल में 36 में आ रहा है, और जिसका बेस कितना है 6, ये हमारा बन जाएगा स्टेप 1। अब जो ये दो नंबर हैं इन्हें लास्ट से इनकी ग्रुपिंग कर देंगे, ठीक है, और जो इससे आगे वाला नंबर बनेगा कितना बन गया 19, कितना बन गया 19। अब हम 19 को वर्ग में देखेंगे कि किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो देख लेते हैं किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है ये। एक तो ये 19 हमारा 16 और 25, किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है 16 और 25, और 16 का बेस कितना है 4, और 25 का बेस कितना है 5, तो 4 और 5 में से जो कम होगा उसे हम बेस मानेंगे। तो इस केस में बेस क्या बना 4। अब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे जो 4 से आगे वाला मूल अंक होगा, तो अगर मूल अंक कितना है 5, जो नंबर कितना है हमारे पास 20। अब हम 19 को 20 से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि 19 20 से ज्यादा है या कम, अगर ज्यादा होगा तो 6। अब हम 19 को 20 से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये नंबर इस नंबर से ज्यादा है या कम, अगर ज्यादा है तो ज्यादा वाला नंबर चूज करेंगे, और अगर ये नंबर इस नंबर से कम है तो कम वाले नंबर को यहाँ से चूज करेंगे। तो इस केस में 19 20 से कम है, तो हम इन दो नंबर में से जो कम नंबर अर्थात 4 को चूज करेंगे, और हमारा नंबर क्या बन जाएगा 44। तो 1936 का जो वर्गमूल कितना है 44, और यही हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।